राजस्थान में आज से फिर तेज होगी बारिश। जिलों में भारी बारिश और 17 जिलों में हल्की बरसात की चेतावनी। राजस्थान में बारिश का दौर अब तक और तेज होगा। अगले 2-3 दिन तेज और कहीं भी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ऐसा होगा। इस सिस्टम के बीच से मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके कारण आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अजमेर, अलवर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, झुंझुनू, झालावाड़, नागौर और सीकर जिलों के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बरसात जोधपुर जिले के फलोदी एरिया के पास आउ में 90 mm दर्ज की गई है अब तक की। इधर अजमेर के अराई में 27 mm, अलवर के रामगढ़ में 55, माखालिम में 42, कोटा कासिम में 55 और उसके साथ साथ ही बीकानेर के खाजूवाला में 30, नागौर के परबसर में 34, गंगानगर के चूणावद में 28, झालावाड़ के पीरवास में 60, जयपुर के कोटपुतली में 42, फागी में 33, प्रतापगढ़ के पीपलकूट में 52 और धारियावाड़ में 32 mm बरसात अब तक दर्ज की जा चुकी है। वहीं जयपुर शहर के आसपास की बात करें या अजमेर बहरोड जिले के बांसून कस्बे में सुबह से ही हल्की बरसात हो रही है। वहीं अजमेर में बिल्डिंग भी कल ढह गई थी, हालांकि ये कोई जानमाल का नुकसान नहीं है। बीकानेर के खाजूवाल कस्बे में तेज बरसात के बाढ़ की हालात बन गई है। यहाँ बाजारों में दुकानों में पानी तक घुस गया है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 39% ज़्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 9 अगस्त और औसत बारिश 261.4 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 362.6 mm बरसात हो चुकी है। जोधपुर में लूणी नदी में डूबने से कल 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जोधपुर में लूणी नदी में 3 युवक डूब गए। तीनों की बॉडी को पुलिस SDRF टीम के सहयोग से बाहर निकाला गया। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। लूणी थाना अधिकारी हुकम सिंह ने बताया करण वैष्णव, अनिल दवे और राजेंद्र राव बाइक पर शिकारपुर स्थित लूणी नदी पार कर रहे थे। तीनों नहाने के लिए पानी में उतर गए थे, उस दौरान डूब गए और तीनों की भी मौत हो चुकी थी। और रात को करीब देर रात 8 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया था। अब आप लोगों से एक अपील है कि बारिश के दिनों में आप सावधान रहें, कि हालांकि इन दिनों में देखिए किस प्रकार से जो नदियाँ हैं, जो पार है, वो तट है, वो अपने उफान पर है, तो उनके नज़दीक नहीं जाइए और अपनी सावधानी रखिए। और बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहाँ पर सुबह से ही तेज बरसात है, वह चल रही है, तो अपने घरों से सावधानी पूर्वक बाहर निकलेगी। धन्यवाद।